सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, इलेक्शन रिजल्ट सामने आने के बाद से ही आप सभी ने ईवीएम को लेकर तरह तरह की न्यूज सुनी होंगी, तो आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए। मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूं, आपको बताऊंगा कि ईवीएम क्या है, कैसे काम करती है, और बाद में हम डिस्कस करेंगे इसकी सिक्योरिटी के बारे में, और ये जानेंगे कि क्या वाकई में किसी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हैक कर पाना पॉसिबल है या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जहां तक बात है इस वीडियो की, तो मैं आपको बता दूं कि ये किसी के फेवर में या अगेंस्ट में नहीं है, ये सिर्फ एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है। जहां तक मैं आपसे बात करता हूं मेरे अपने ओपिनियन की, तो मुझे इलेक्शन रिजल्ट्स पे किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं है। तो देखिए, जो इलेक्शन प्रोसेस है वो आज की बात नहीं है, वो बहुत बहुत सालों से हम काम में ले रहे हैं दुनिया भर में अलग अलग तरीकों से। जहां तक बात है इंडिया की, तो यहां पे हम पहले काम में लेते थे बैलेट पेपर सिस्टम को, जहां पे जो वोटर है वो एक कागज के टुकड़े पे मुहर लगा के अपना वोट कास्ट करता था, और उसके बाद में उन्हीं की काउंटिंग करने के बाद में यह पता लगाया जाता था कि जो विनर है वो कौन निकल के आ गया है इलेक्शंस का। दोस्तों, लेकिन जैसे जैसे हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ने लगी, जैसे जैसे जो नंबर ऑफ वोटर्स हैं वो बढ़ने लगे, जैसे जैसे हमको ये लगा कि जो काउंटिंग प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा टिपिकल बन गया है, जो पेपर की कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो ऐसे में दोस्तों हमें जरूरत थी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की जिसके जरिए जो काउंटिंग हो वो एक्यूरेट हो और बहुत कम टाइम लगे, और ऐसे में थोड़ा सा खर्चा है वो भी शायद बच जाए। और इसी को लेकर दोस्तों डेवलप किया गया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम को। पहली बार 1982 में केरला में कुछ पोलिंग बूथ्स में इसका इस्तेमाल हुआ। उसके बाद दोस्तों जगह-जगह पे अलग-अलग इलेक्शंस में इनकी टेस्टिंग होती गई, और 2004 इलेक्शंस के बाद से तो आज तक जितने भी इलेक्शंस हुए हैं सभी जगह पे ईवीएम को ही काम में लिया जाता है। दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ये बनाई जाती है दो जगहों पे। पहला है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि बेस्ड है बेंगलुरु में। जो दोस्तों दूसरा है वो है ECIL, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये बेस्ड है हैदराबाद में। दोनों ही मशीन्स कंप्लीट आइडेंटिकल हैं, और यहां पे आपको मिलते हैं दो मेन पार्ट्स। जो पहला पार्ट है वो है बैलेटिंग यूनिट। यहां पे दोस्तों ये वो पार्ट है जो एक वोटर के सामने होता है जब वो वोट करता है। अलग अलग कैंडिडेट्स के नाम होते हैं, सामने उनका दोस्तों जो साइन है वो होता है, और इसके बाद में होता है एक बटन जिसको दबाने के बाद में आप जिस कैंडिडेट को चाहें उसको वोट कर सकते हैं। एक मशीन में यहां पे एक बार में 16 कैंडिडेट्स के जो नाम है वो दिखाए जा सकते हैं, और अगर कैंडिडेट 16 से ज्यादा हैं तो एक साथ मैक्सिमम 4 मशीन्स को यहां पे कनेक्ट करके रखा जा सकता है, और ऐसे में जो कैपेसिटी है वो बन जाती है 64 की। दोस्तों, ये जो बैलेटिंग यूनिट है ये कनेक्ट की जाती है कंट्रोल यूनिट के साथ में करीब 5 मीटर लंबे वायर के साथ में। कोई भी वायरलेस कम्युनिकेशन यहां पे नहीं होता है, और दोस्तों ये जो कंट्रोल यूनिट है यहां पे कुछ बेसिक बटन्स होते हैं। जब एक नया वोटर आता है तो दोस्तों यहां पे दबाया जाता है बैलेट बटन को, जिससे जो बैलेटिंग यूनिट है वो एक्टिवेट हो जाती है, और उसके बाद में वो एक बार अपना एक सिंगल इनपुट को एक्सेप्ट करेगी। उसके बाद में वापस से दबाया जाएगा बैलेट बटन को, और बार बार बटन दबाने के बाद बाद से जो दोस्तों वोट्स हैं वो सारे इनपुट लिए जाते हैं। यहां पे दोस्तों जो मशीन उसकी कैपेसिटी है 3840 वोट्स की। एक बार जब सभी वोट्स कंप्लीट हो जाएं तो यहां पे दोस्तों दबाया जाता है क्लोज बटन को, और क्लोज बटन दबाने के बाद में ये मशीन और कोई नए वोट्स को एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसके बाद में टोटल करके ये देखा जाता है टोटल बटन को दबाने के बाद में कि टोटल वोट्स हैं वो कितने आए हैं, और मशीन को सील कर दिया जाता है। जो दोस्तों रिजल्ट वाला बटन है वो सील्ड रहता है, और उसके बाद में जब काउंटिंग का दिन आता है तब इसकी सील को खोला जाता है, रिजल्ट बटन को दबा के देखा जाता है कि यहां पे किसको कितने वोट्स मिले हैं, और उसके बाद में टैली वापस किया जाता है जो टोटल पहली बार हुआ था कि वो जो टोटल है वो मैच कर रहा है या नहीं। अब दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस है ईवीएम की। आप एक बार को अगर सोच के देखेंगे तो आपको लगता है कि हां एकदम सिक्योर है, कुछ वायरलेस नहीं है, एकदम फिजिकल चीज है, मशीन को सील भी कर दिया। लेकिन दोस्तों ये मतलब आप सभी जानते हैं कि दुनिया भर में कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो टेंपर प्रूफ हो, बेसिकली कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो लूप होल मिल ही जाता है, और ये दोस्तों मशीन है ये भी काफी ज्यादा ऐसे ही कॉन्ट्रोवर्सी में रहती है। कुछ कंट्रीज जो है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को यूज करते हैं, कुछ कंट्रीज इसको यूज नहीं करते हैं, जगह जगह पर अलग अलग लॉज हैं, अलग दोस्तों यहां पर नियम अपनाए गए हैं, लेकिन इंडिया में हम इसको काम में ले रहे हैं। अब यहां पे ईवीएम के दोस्तों एक टेस्टिंग पहले की गई थी, कुछ सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने ये सोचा कि हम इस मशीन को कैसे बाईपास कर सकते हैं, इसके क्या क्या तरीके सामने निकल के आ सकते हैं। दोस्तों उन्होंने उस टाइम पे ये बताया कि यहां पे दो तरीके से मेनली इस मशीन को क्रैक किया जा सकता है। पहली बात तो ये कि अगर इस मशीन का डिस्प्ले चेंज कर दिया जाए,
जो डिस्प्ले ऊपर लगाया गया है वो दिखने में बिल्कुल आइडेंटिकल होगा, लेकिन वो एक नॉर्मल इंसान जो है वो नहीं पहचान पाएगा उसमें अंतर क्या है। अंतर वहां पे ये होगा कि जो नया डिस्प्ले लगाया गया है वहां पे दोस्तों एक ब्लूटूथ डिवाइस को लगाया गया है जिससे ब्लूटूथ जो है वो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश किया जा सके। उसके अलावा एक ऐसा डिस्प्ले ड्राइवर सिस्टम है जो मन चाहे हम डिस्प्ले पे जो चीज वो डिस्प्ले करवाई जा सके। इसके बाद में होगा क्या कि वो जो मशीन दोस्तों है वो इनपुट लेगी, सही तरीके से काम करेगी। जब बात आती है काउंटिंग की तो ऐसे में ब्लूटूथ डिवाइस से जो चाहे वो नंबर हम मशीन के ऊपर दिखा सकते हैं और ऐसे में मैनिपुलेशन के बाद में वोट्स को चेंज कर सकते हैं। दूसरों दूसरा तरीका था वो था कि अगर इस मशीन की जो मेमोरी है उसमें डायरेक्टली हम उसको रीराइट कर दें अपने नए डेटा के साथ में, तो ऐसे में भी हम जो वोट्स हैं उनको कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों इस मशीन का जो सॉफ्टवेयर है वो कम्प्लीटली एम्बेडेड है, उसको नहीं तो निकाल सकते हैं नहीं डाल सकते हैं। सारा जो मशीन के अंदर दोस्तों पोर्ट्स वगैरह हैं वो कुछ है ही नहीं बेसिकली, तो जो चीज़ है वो मशीन के अंदर ही है। लेकिन फिर अगर हम एक्सटर्नली फोर्सफुली मेमोरी को रीराइट करें तो ये चीज़ भी पॉसिबल है। लेकिन दोस्तों दोनों जो चीज़ें हैं यहाँ पे मशीन की एक्सेस ज़रूरी है, और न सिर्फ एक्सेस ज़रूरी है यहाँ पे इतना नॉलेज भी ज़रूरी है कि कैसे उस डिस्प्ले यूनिट को चेंज करना है, कैसे बाद में एक एक मशीन को कंट्रोल करने के लिए ब्लूटूथ डिवाइसेस आपके पास में होने चाहिए। और उसके अलावा अगर आप एक एक मशीन में जाएं उसको खोलें और बाद में उसकी मेमोरी को चेंज करें तो ये दोस्तों बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। और बेसिकली हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो कहता है कि इस मशीन को टेम्पर कर पाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहां पर जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज्यादा टाइट होती है। लेकिन दोस्तों फिर भी दिल्ली हाई कोर्ट ने यह माना था पहले कि जो मशीन है वो टेम्पर प्रूफ नहीं है, और इसी को लेकर इंडिया में अभी एक नया सिस्टम भी साथ में आने वाला है जो है VVPAT, यानी कि वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। यहां पे दोस्तों होगा क्या कि जब जो मशीन है उसमें कोई वोटर अपना वोट करेगा तो साथ में एक और मशीन लगाई जाएगी, यहां पे एक कागज पे दिखाया जाएगा कि जो आपने वोट किया है वो किसको किया है, ताकि आप वेरीफाई कर सकें कि आपका जो वोट है वो सही गया है। और उसके बाद में वो जो कागज है बेसिकली वो बाद में अगर कभी जरूरत पड़ती है तो ऑडिट के लिए काम में लिया जा सकता है। दोस्तों ये जो सिस्टम है ये 2014 जो हमारे इलेक्शन हुए थे उनमें 8 जगहों पर काम में लिया गया था, और 2019 इलेक्शन में सभी जगहों पर काम में लिया जाने वाला है। दोस्तों ये है कंप्लीट सिनेरियो। दुनिया भर में जगह जगह के अलग अलग दोस्तों लॉज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो मशीन है वो सिक्योर नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि सिक्योर है। यहां पर दोस्तों जो कागज वाला सिस्टम है लूपहोल्स तो वहां पे भी हो सकते हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि आपका क्या मानना है कि जो मशीन है क्या वो सिक्योर है या नहीं है। जो फैक्ट है मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अब यहाँ पे डिपेंड ये करता है कि भाई अगर वो डिस्प्ले चेंज करने की बात हो या अगर उस मेमोरी में हम उसको रीराइट करें डेटा को, तो वो एक मशीन में कर पाना, ऐसे बार बार सभी मशीन्स में कर पाना, और क्योंकि मशीन को एक बार सील कर दिया जाता है पोलिंग बूथ से जब वो निकलती है बाहर, और वो सील तभी खुली जाती है जब दोस्तों होती है काउंटिंग, तो प्रोसेस तो काफ़ी सिक्योर लगती है, लेकिन फिर भी लूपहोल सभी जगहों पर हैं, तो हम इसके बारे में कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते हैं। आने वाले दिनों में जब VVPAT सिस्टम कंप्लीट नेशन वाइड हम इंप्लीमेंट होते हुए देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि उस टाइम पे जो इलेक्शन रिजल्ट्स हैं उनको लेके शायद कोई डाउट ना करे और सभी एक्सेप्ट करें जो भी रिजल्ट सामने आए हैं उनको। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को आगे लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी ही वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।